Hi, this is Dr. Amrita Kulkarni, again here with a new video about a very sensitive topic. Yes, Diwali festivals are over, now it's time to lose your weight. Now the topic is 5 diet tips for quick weight loss but in a healthy way. Okay, now we'll just quickly revise what I have mentioned in my first video, that is your body metabolism is totally responsible for your weight loss and your weight gain, right? Now what is obesity, yani ki weight bad jana, uske causes kya kya hai, uske risk factors kya kya hai, iske liye main alag video zarur banaungi, but it's a very vast topic. So aaj ke video mein bas itna cover karenge ki 5 diet tips for a quick weight loss but in a healthy way. Okay, now what my weight loss formula is 70% diet and 30% exercise. Yes, but there should be consistency in exercise and same about the diet. You should be very particular about your diet during this weight loss program. अगर आपको आपका वजन कम करना है तो सबसे पहले आपके डेली रूटीन में आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा. Now what are those changes? Just let's see them one by one. Number one, keep it in mind the 3 white poisons. Yes, white poison. So, which are supposed to increase your weight very fast and you have to avoid, it's better to avoid or restrict them. Now, what are 3? Sugar, salt and white flour. White flour is maida. Okay, now sugar, आपको जितनी फ्रूट में या जितनी वेजिटेबल्स में नेचुरल शुगर मिले उतनी ही आप ले सकते हो, उतनी आपके बॉडी के लिए काफी है. Okay, now salt, yes, जितना आप कुकिंग के लिए यूज करते हो उतना सॉल्ट ठीक है, बट अगर आप ज्यादा जैसे प्रोसेस फूड या फिर बटर या फिर प्रोसेस चीज या फिर वेफर्स या जैसे पिकल्स के पापड़, ये सब में सॉल्ट का जो एक लेवल रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है. सो इट्स बेटर टू अवॉइड देम और टू रेस्ट्रिक्ट देम. And number 3 is white flour, that is maida. So please avoid bakery products, right? अगर आपको bread खाना है या फिर कुछ biscuits खाने हैं तो आप wheat या फिर गेहूं के खा सकते हैं. Then the second point is cut down your carbohydrate intake, right? Now what is carbohydrate? Then carbohydrate के types क्या है, कौन से carbohydrate लेने चाहिए, इसके लिए मैं एक अलग video बनाऊंगी. Now कट डाउन योर कार्बोहाइड्रेट मीन्स नो कार्बोहाइड्रेट डाइट नहीं है, सिर्फ आपको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा थोड़ी कम करनी है. ओके, नाउ अब क्या कर सकते हो, तो राइस और गेहूं की जगह या राइस और व्हीट की जगह आप बाजरा या ज्वार यूज कर सकते हो, राइट? नाउ अगर आपको फास्ट वेट लॉस एंड फैट लॉस चाहिए तो गेहूं की रोटी की जगह जो आप रोज खाते हो तो उसकी जगह आप जवार की भाकरी पे शिफ्ट हो जाओ, राइट? नाउ इसका एक फायदा क्या होता है कि जवार का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भले ही मीडियम होता है, ओके, ना कि लो ना कि हाई, बट हाई फाइबर कंटेंट होने के कारण ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, आपका पेट भी भर जाता है एंड दिस इज द हेल्दीएस्ट चॉइस टू मीट द डेली कार्बोहाइड्रेट इनटेक. ओके, ये कैलोरीज भी कम देता है और आपका पेट भी अच्छी तरह से भर जाता है. नाउ The third point is protein. Okay, increase your protein intake. The protein is one of the nutrient which is supposed to increase your metabolism of the body, right? Now to achieve the fast weight loss, include lean protein in your every meal. Okay, now in every meal like breakfast, in lunch and in dinner, right? So what are lean proteins? The lean proteins are जो कि पचने में बहुत ही इजी होते हैं, इजीली डाइजेस्टेबल और पेट भी ज्यादा देर तक भरा हुआ रहता है कि आपको बार बार खाने की जरूरत पड़ती है. एंड थर्ड वन इज ये आपको कैलोरीज भी बहुत कम देता है, राइट? नाउ कौन कौन से प्रोटीन्स ले, कितनी मात्रा में ले, और ये इन्फॉर्मेशन जो है वो हम बाद में डिटेल में देखेंगे, बट इन दिस वीडियो फॉर जैसे मैंने कहा कि एवरी मील में आप प्रोटीन इंक्लूड करो, तो फॉर एग्जांपल जैसे ब्रेकफास्ट में आप अगर नॉन वेजिटेरियन है तो बॉइल्ड एग व्हाइट यूज कर सकते हो, अगर वेजिटेरियन है तो ओट्स, ग्रीन मूंग डोसा ये यूज कर सकते हो. देन इन लंच यू कैन टेक स्प्राउट्स या पनीर सब्जी ले सकते हो.
ग्रिल चिकन ले सकते हो एंड देन इन डिनर यू कैन ऐड दाल एनी वेजिटेबल सूप या एनी पालक एंड दाल सूप आप प्रेफर कर सकते हो राइट. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज फोर्थ पॉइंट, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर, ये तीन बिग मील्स के अलावा जब भी आपको भूख लगे तो इंस्टेड ऑफ सॉलिड फूड या इंस्टेड ऑफ एनी ऑयली फूड हेवी फूड आप सॉलिड फूड की जगह लिक्विड्स ज्यादा से ज्यादा प्रेफर करें. नाउ लिक्विड्स में क्या क्या आता है, तो नींबू पानी, फ्रूट जूसेस बट विदाउट शुगर, कोकोनट वाटर या नारियल पानी, देन बटर मिल्क, देन वार्म वाटर, ग्रीन टी, लेमन वाटर, आप कुछ भी ले सकते हो. याद रखो जितना आप ज्यादा से ज्यादा लिक्विड्स या फ्लूइड्स पे शिफ्ट हो जाते हो आपका फैट लॉस उतना ही ज्यादा फास्ट होने लगता है. ओके ये तो मैंने मेरे पहले वीडियो में बताया था आपको कि जितना आप ज्यादा पानी पियोगे, जितना ज्यादा फ्लूइड्स आप इंक्लूड करोगे, डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस उतनी ही अच्छी होती है और वेट कम होने में हेल्प होती है, यानी कि फास्ट फैट लॉस होने में हेल्प होती है. नाउ एक ऑप्शन ये भी है कि डिनर के लिए भी आप वेजिटेबल सूप यूज कर सकते हो राइट. जैसे अगर आप वेजिटेबल सूप या फिर दाल प्रेफर करें डिनर में तो आपका प्रोटीन का काम भी हो जाएगा, आपका आपके कैलोरीज भी कम हो जाएंगे और आपका पेट भी भरा हुआ रहेगा राइट. नाउ अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है तो रात को मैं एक और टिप आपको दूंगी कि रात को आप ज्यादा से ज्यादा पालक सूप या फिर मेथी की सब्जी या फिर एनी ग्रीन वेजिटेबल आप प्रेफर करो राइट. बिकॉज कॉन्स्टिपेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन फॉर वेट गेन राइट. तो अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपका डाइजेशन अच्छा होना चाहिए और आप ग्रीन वेजिटेबल्स जितने ज्यादा यूज करते हो रात में उतना ही आपको पचने में भी आसानी हो जाती है एंड आपको कैलोरीज भी कम मिलते हैं और कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ भी आपकी कम हो जाएगी. नाउ द लास्ट बट नॉट लीस्ट, अभी ये 70% डाइट का तो हो गया, जैसे मैंने पहले वीडियो में भी आपको बहुत सारे डाइट टिप्स दिए थे तो उसमें से भी आप फॉलो कर सकते हो, बट द लास्ट पॉइंट इज ऑल अबाउट द 30% एक्सरसाइज. ओके नाउ जैसे मैंने कहा था कि मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करने के लिए या वेट लॉस करने के लिए डाइट तो हो गया बट वॉट अबाउट एक्सरसाइज. ओके सो द रेगुलर एंड कंसिस्टेंट एक्सरसाइज फॉर एटलीस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लूज वेट. ओके नाउ ये एक्सरसाइज आप कौन सा भी कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, जो आप डेली करते हो या फिर जिसमें आप कंफर्टेबल हो राइट. जैसे स्विमिंग, वॉकिंग, जिम या फ्लोर एक्सरसाइज या फिर साइकिलिंग, जो भी आपको अच्छा लगे, आप जिसमें कंफर्टेबल हो, जो आपको सूट करता है वो एक्सरसाइज आप कर सकते हो, बट याद रखना 45 मिनट्स टू 1 आवर. नाउ 30 मिनट्स एक्सरसाइज, कोई कोई पेशेंट मुझे पूछता है कि मैम मैं रोज एक 30 मिनट्स वॉक करता हूँ लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि मेरा कुछ वजन कम हो रहा है या ये. सो एटलीस्ट 30 मिनट्स वॉक करने से सिर्फ आपकी बॉडी वार्म अप होती है, सो इट्स ओनली वार्म अप एक्सरसाइज. कैलोरीज जो बर्न होने चालू होते हैं वो आफ्टर 30 मिनट्स चालू हो जाते हैं राइट. सो इफ यू हैव टू मेंटेन द वेट 30 मिनट्स एक्सरसाइज इज ओके, बट इफ यू वांट टू लूज वेट देन यू हैव टू एक्सरसाइज फॉर 45 मिनट्स टू 1 आवर एटलीस्ट. ओके देन ओके द 5 पॉइंट्स आर ओवर. नाउ जैसे कि हर एक वीडियो में आपको बताती हूँ कि बोनस टिप राइट. नाउ द टूडेज बोनस टिप इज वेरी वेरी सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट. स्टार्ट यूर डे विथ अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड लेमन एंड बिफोर गोइंग टू बेड जस्ट हैव अ कप ऑफ ग्रीन टी. ओके द बोथ विल इंक्रीज योर मेटाबोलिज्म वेरी फास्ट एंड इट हेल्प्स टू लूज योर वेट वेरी फास्ट. ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द टूडेज वीडियो. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना. नेक्स्ट टाइम वीडियो में मिलेंगे ऐसे ही एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के साथ और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ. थैंक यू.